सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। बिग बॉस के सीजन 9 की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट रही किशोर मर्चेंट ने बिग बॉस सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स के बारे में अपनी राय रखी है। इतना ही नहीं, उन्होंने जसली यानी कि अलीगोनी और जैस्मिन भसीन, राहुल वैद्या और काफ़ी सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों के बारे में बातचीत की है बिग बॉस सीजन 14 के। क्या कुछ उन्होंने कहा है बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। भाई, अलीगोनी और जैस्मिन भसीन के बारे में बात करते हुए कहती हैं किश्वर मर्चेंट कि जैस्मिन और अली के बीच फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है, लेकिन आगे जाके शायद कुछ भी ना हो। फ्रेंडशिप पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल और अली की फ्रेंडशिप मौके पे चौका जैसी है और वो वास्तविक तौर पर नहीं दिखाई देती। राहुल कॉन्फिडेंट रहें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। जैस्मिन और अली की बीच की दोस्ती से ज़्यादा उन्हें लगता है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आगे जाके शायद कुछ भी ना हो। किश्वर मर्चेंट ने अलीगोनी के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप पर ये बात कही है। भाई, बड़ी बात यह है कि उनको भी लगता है कि इन दोनों के बीच दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। हालांकि उनके गेम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मान रही हैं किश्वर मर्चेंट। जी हाँ, जैस्मिन के बारे में बात करते हुए वो कहती हैं कि जैस्मिन भसीन जो हैं वो बच्चों की तरह बर्ताव कर रही हैं, उन्हें बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करना होगा और थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर एटीट्यूड दिखाना होगा। उन्हें फ्लिप मारने वाले कंटेस्टेंट का टाइटल दे दिया किशोर मर्चेंट ने। वहीं आपको ये बता दें कि वो अलीगोनी और साथ ही साथ बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में भी बात करती हैं, लेकिन भाई वो साफ तौर पर यही कह रही होती हैं कि राखी सावंत ही है इस घर की एंटरटेनिंग क्वीन। आपकी क्या राय है इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएं और इसी तरह अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।